भाई पाकिस्तान वालों अब बदल दो कैप्टन अपना, पाकिस्तान वालों अब फिर बदल दो कैप्टन अपना, क्योंकि अब लाहौर कलंदर ने तो 7 मैचों में 6 में तो हार मिली है, 6 मैच खेले हैं, 6 में ही हार मिली है, 1 मैच ड्रा रहे हैं बारिश के कारण। और कराची किंग्स ने 6 मैच खेले हैं, 6 मैच से 2 जीते हैं, 4 में हार मिली है। अब अपना कैप्टन भाई फिर बदल दो, क्योंकि आप बोलते थे कि यार बाबर आजम ने तो कोई मैच नहीं जिता रहे, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया, वैसे नहीं किया, कुछ भी बोल रहे थे। तो भाई यार आप शाहीन अफरीदी ने क्या ऐसा कर दिया जो आपने उसको कैप्टन बना दिया, अब तो वो कुछ भी नहीं कर रहा। अगर मेरी बात याद रखना, अगर आप उसे शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी से नहीं उतारते, वो पर्ची को जो पर्ची है आपकी शाहीन अफरीदी, अगर आप उसको कैप्टनसी से नहीं उतारते ना, मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो सेमीफाइनल तक भी नहीं जा सकती पाकिस्तान की टीम, सेमीफाइनल तक पाकिस्तान की टीम पहुँच नहीं सकती। 100% मैं बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल तक नहीं पहुँच सकती। और एक बात और सुनो, आपने क्या किया, जो रेड बॉल का कैप्टन कौन बना दी, जो सबसे टफ फॉर्मेट है क्रिकेट में, वो उसका शान मसूद भाई किस लिए बनाया भाई, वो अपने कैप्टन क्या कर दिया उसने ऐसा, वो उस कैप्टनसी वाली तो कोई बात ही नहीं उसमें यार। शाहीन अफरीदी में ना ही शान मसूद में मुझे तो कुछ लगा नहीं ऐसा कि आपने उसको जक अशरफ ने कहते हैं बना दिया शाहीन अफरीदी है शान मसूद को। यार फिर अगर बना दिया तो जिस दिन का आपने कैप्टन बनाया है ना, उस दिन का इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस तो क्या अच्छी होनी है, उससे मैच हार रहा है शाहीन अफरीदी और PSL में भी हार रहा है। तो यार ये क्या मजाक चल रहा है कैप्टन पाकिस्तान की टीम में, अब फिर बदल दो कैप्टन, अच्छे रहोगे फिर बदल दो, अब तो ऐसे ही चलता रहेगा, जब कोई 1-2 मैच हार जाएगा उसको कैप्टन चेंज कर दिया करो। आप यही कर सकते हो, आप और कुछ नहीं कर सकते, ना कि प्लेयरों को पॉलिश कर। अगर बाबर आजम ने कुछ वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन नहीं था, यार बाबर आजम को वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस भी हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, हार हार कर जीत भी चुका था बाबर आजम, तो अब तो उसका मुश्किल इम्तिहान था यार ICC वर्ल्ड कप में, अब तो पता चलना था कि अब क्या कर पाता है वो। आपने उसको कैप्टनसी से ड्रॉप कर दिया, ठीक है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान की टीम में केवल बाबर आजम के अलावा मुझे और कुछ मुझे कोई और कोई चेहरा कोई मुझे पता नहीं, नॉर्मली मुझे दिखता ही नहीं है कि कोई अच्छा प्रदर्शन करेगा, जैसे कि पहले फक्कर रजवान ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा था, जब सभी अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, एकदम से सब फिनिश हो गए, कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। जब यार आप एकदम से ऐसे फैसले लोगे, कभी मोहम्मद हफीज को बना दिया, यार वो प्रोफेसर आपका देखने में नहीं अच्छा लगता यार, वो तो मुझे लगता कि प्लेयर को गाली दे ही वो तो परफॉर्मेंस को नीचे ला जाएगा, वो तो यार इतना स्ट्रिक, वो तो यार जब कोई नॉर्मल डिस्कस करता है किसी चैनल पर बैठ कर, उससे तो वैसे ही डर लगता है यार भाई, वो तो ऐसे बोलता है प्लेयरों को, तो जब वो उसके साथ काम करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है भाई मोहम्मद हफीज का। चलो आपने हटा दिया, वो भी अच्छी बात की, मुझे लगता है कि वो अपना आपका अच्छा डिसीजन था, बट मैं कहता हूं कि अब आपके पास मौका है, अब भी आप बाबर आजम को कैप्टन बना दो तो आप 100% मैं पक्के यकीन से कह सकता हूं कि आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो बड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ फॉलो करें, लाइक। नहीं, मैं एक बात और भूल गया, पहले PSL में चल रहा था मोहम्मद रिजवान की टीम फास्ट पर चल रही है, अगर आप मैं मानता हूँ कि शाहीन अफरीदी वगैरह वगैरह कोई अच्छे कैप्टन नहीं है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको चलो बाबर आजम को कैप्टन नहीं बनाना, अगर वो बनता भी नहीं है, नॉर्मली बनेगा भी नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपने किसी प्लेयर को कैप्टन, अच्छे प्लेयर को कैप्टन बनाना है, सियाने मतलब जो मास्टर माइंड है, वो है मोहम्मद रिजवान, और PSL में उसकी टीम भी फर्स्ट पर चल रही है, उसकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा कैप्टनसी का, ये मैं वादे के साथ बोल सकता हूँ, उसका कैप्टनसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, असर पड़ेगा रिजवान की कैप्टन, अगर रिजवान को कैप्टन बना देते हो उसकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तानी को सोचना चाहिए और मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए। सो 100% तो सेकंड पैंक क्वेटा ग्लेडिएटर PSL में, 9th PSL में, यार इन लड़कों ने इतनी अच्छी मेहनत की है ना, जिन्हें जो क्वेटा ग्लेडिएटर खेलती है ना,
तो यार इनके चेहरों पर ही पता लगता है कि यार ये लड़के ना मेहनत कर कर आ गया है। इतनी मेहनत की लगती है ना इन लड़कों ने, मतलब मैं जो मैच देखते हैं ना, मैं पर्सनली ये पसंद है जी, नॉर्मली देखने में लगता है यार इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर कर प्रैक्टिस कर कर आ गया है ना यार, ये आने भी चाहिए थे फिर ग्लैडिएटर के। तो साहब अपने कप्तान साहब हैं तीसरे नंबर पर पेशावर जुलमी जलमी के, तो चौथे नंबर पर हैं इस्लामाबाद। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड फॉलो जरूर करना भाई साहब।